एक सीमित मात्रा में अगर हमारे शरीर में होता है तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये सीमा से ज़्यादा हो जाए तो इस प्रकार ये आपके जोड़ों में जमने लगता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल यहाँ पर जम चुके हैं और जहाँ पर भी ये क्रिस्टल जम जाते हैं वहाँ भयंकर दर्द होता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यूरिक एसिड घुटने के जोड़ पर जमा हो गया है। ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं आप देख सकते हैं, घुटने के जोड़ पर जमा हो गए हैं। ये घुटने को पूरी तरह से जाम कर देते हैं, ये आपके शरीर को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है तो वो पहले छोटे जोड़ों से शुरू होती है और फिर बड़े जोड़ों में भी ये समस्या आने लगती है। तो आप देखिए, घुटने को इसने पूरी तरह से जाम कर दिया है। अब ये घुटना बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा, अगर मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो भयंकर पीड़ा होगी, यानी आपके शरीर को पूरी तरह से जाम कर देता है। इसके साथ साथ यूरिक एसिड बढ़ने से जो लक्षण प्रकट होते हैं वो है कि इस तरह से गाउट की समस्या बन जाना, यानी गठिया की समस्या बन जाना। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि उंगलियों में किस प्रकार से यूरिक एसिड इकट्ठा हो गया है, यानी कि उंगलियों में जो क्रिस्टल हैं वो यहाँ पर जम गए हैं और यूरिक एसिड यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इसलिए उंगलियों की मूवमेंट में भी कमी आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जहाँ पर भी यूरिक एसिड इकट्ठा होगा वहीं पर दर्द भी होगा और उस अंग को ये जाम भी कर देगा, तो गाउट की समस्या भी इसी से पैदा होती है। तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में जहाँ पर भी जम जाता है, जिस जोड़ में भी जमेगा, तो वो जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये उंगली पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है और यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम चुके हैं। यूरिक एसिड से आदमी के जोड़ इतने ज़्यादा जाम हो सकते हैं कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से अगला सिम्टम्स क्या आता है। अगले सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पैर की ये जो पूरी गांठ है इस पर यूरिक एसिड इकट्ठा हो गया है और पैर को जाम कर दिया है। इसके अलावा यूरिक एसिड एक काम और करता है, ये किडनी में पथरी को बनाता है, यानी कि अगर आपकी किडनी में बार बार पथरी बन रही है तो आपको एक बार अपना यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा पथरी के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक है, तो गुर्दे की पथरी भी बनने लगती है। यूरिक एसिड की सही मात्रा कितनी होती है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कितना यूरिक एसिड होना चाहिए कि वो नॉर्मल हो, और कितना नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो समझना चाहिए कि हमको ये बीमारी हो चुकी है। आइए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक छोटा सा ब्लड टेस्ट कराना होगा जो आप कहीं भी करा सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट रेंडम ही होता है, इसमें आपको खाली पेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कोई पुरुष अगर इस टेस्ट को करा रहा है तो पुरुषों में 3.5 से लेकर 7 mg प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल है। 3.5 से अगर 7 के बीच में आता है तो नॉर्मल है, 7 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो समझना चाहिए कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। अब महिलाओं में इसकी मात्रा देख लेते हैं। महिलाओं में थोड़ा सा कम रहता है, महिलाओं में 2.5 से लेकर 6 mg तक प्रति डेसीलीटर यदि है तो नॉर्मल है, लेकिन महिलाओं में यदि 6 से 7 हो गया तो समझना कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। वहीं पुरुषों में अगर 7 से ज़्यादा होता है तो समझना यूरिक एसिड बढ़ रहा है। दोस्तों, ये बहुत धीरे धीरे से बढ़ता है, इसका पता नहीं चलता। शुरुआत में आपके छोटे जोड़ इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर व्यक्ति से इग्नोर करता जाए तो बड़े जोड़ों में भी ये जमने लगता है और जोड़ों को पूरी तरह से जाम कर देता है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाई पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको कौन कौन से परहेज करने चाहिए, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जहर के समान हैं। यदि आप यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है और आप रेड मीट खा रहे हो तो ये आपके लिए जहर के समान है। रेड मीट यानी कि जो चार पैरों वाले जानवर होते हैं, यदि आप उनका मीट खा रहे हो तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दूसरे नंबर पर जो चिकन है, चिकन में भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो चिकन भी ना खाएं, फिश भी ना खाएं, यानी कि जितना भी मांसाहारी भोजन है वो सारा भोजन आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाता है, क्योंकि इनके अंदर प्यूरिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। जो हैवी प्रोटीन वाले फूड हैं उनके अंदर प्यूरिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है और ये प्यूरिन सीधे तौर पर यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो पहले नंबर पर तो आपको
मांसाहार को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। यदि आप यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो मांसाहार को पूरी तरह से बंद कर दें। दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज़ है जो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है शराब। यदि किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति को शराब जहर के समान है। अगर वो शराब पिएगा तो उसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता ही जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, तो तीसरे नंबर पे आती हैं मशरूम और दालें। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार की दालें होती हैं जो यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, जैसे राजमा है, लोबिया है, सोयाबीन है। ये तीनों दालें यूरिक एसिड के लेवल को बहुत तेज गति से बढ़ाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें प्यूरिन नाम का एक पदार्थ होता है जो सीधे सीधे यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो यूरिक एसिड वालों को ये तीन चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यूरिक एसिड वाले मूंग की दाल खा सकते हैं, मसूर की दाल खा सकते हैं, लेकिन उन्हें अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, राजमा नहीं खाना चाहिए और मशरूम तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी यदि आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे फूड प्यूरिन बढ़ाने वाले फूड हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूरिन, यानी कि इन सभी फूड के अंदर प्यूरिन भरपूर मात्रा में है, इसलिए आपको ये सभी छोड़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसका यदि आप प्रयोग करोगे तो आपके गाउट की समस्या में, बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या में लगभग एक सप्ताह में ही आराम आना शुरू हो जाएगा। और यदि आप इन दवाइयों को लगातार 3 से 4 महीने तक लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपके जोड़ों की सूजन ठीक हो जाएगी और आपके जोड़ फिर से स्मूथ हो जाएंगे। तो 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, चारों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहली दवाई जो इस कॉम्बिनेशन के अंदर है दोस्तों, इसका नाम है कोल्चिकम। मदर टिंचर के फॉर्म में इसे इस्तेमाल करना है। कोल्चिकम का चित्र भी आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। दोस्तों यदि छोटे जोड़ों में दर्द है तो कोल्चिकम उसकी सबसे अच्छी दवाई है, यानी उंगलियों के जोड़ों में, पैर के अंगूठे में यदि यूरिक एसिड जमा हो गया है, वहां पर क्रिस्टल ने एक गांठ जैसा रूप ले लिया है और उसमें भयंकर दर्द होता है, तो छोटे जोड़ों के लिए ये बहुत बेस्ट है, जिसका नाम है कोल्चिकम। इसका चित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी होम्योपैथिक दवाई है गुइकम। इसको भी मदर टिंचर में ही लेना है। गुइकम दर्द निवारक के रूप में होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दवाई है, खासकर यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसके कारण से जोड़ों में दर्द है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इन दवाइयों को लेने का तरीका मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तीसरी दवाई का नाम है अर्टिका यूरेंस। ये भी मदर टिंचर में प्रयोग करनी है। दोस्तों अर्टिका यूरेंस की खूबी ये होती है कि यह हमारी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, यानी कि जितना भी यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमा हुआ है अर्टिका यूरेंस लेने से वो वहाँ से हटने लगता है और पूरा का पूरा यूरिक एसिड किडनी के माध्यम से पेशाब के साथ में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अर्टिका यूरेंस इसका बहुत अच्छा काम करती है और ये यूरिक एसिड की एक बहुत अच्छी दवाई है। चौथे नंबर की जो मदर टिंचर है दोस्तों, उसका नाम है गुलथेरिया। गुलथेरिया क्यों, ये भी होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दर्द निवारक दवाई है, खासकर जो घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में यदि किसी को यूरिक एसिड जम गया है, घुटने जाम हो गए हैं, तो गुलथेरिया उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार दोस्तों इन चारों दवाइयों का कॉम्बिनेशन यदि हम बनाएंगे, इनको साथ साथ अगर हम लेंगे तो आपको एक सप्ताह के अंदर अंदर ही बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इन दवाइयों को लगातार 3 से 4 महीने तक लेना है। इनको लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक आधा कप गुनगुना पानी लेना है, चारों दवाइयों की 10-10 बूंदें उसमें डाल लेनी है और ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। 10-10 बूंदें चारों दवाइयों की डालें और उसे सिप सिप करके धीरे धीरे पी जाएं। दोस्तों ये होम्योपैथिक दवाई है, धीरे धीरे काम करेंगी लेकिन आपके रोग की जड़ पर काम करेंगी। यदि आप अपने यूरिक एसिड की समस्या को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको जो परहेज बताए आप वो परहेज करें, दवाइयां समय पर लें और पानी ज़्यादा पिएं। गर्म पानी यदि आप यूरिक एसिड की समस्या में पीना शुरू करते हैं और दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पी लेते हैं तो गुनगुने पानी पीने से आपके जोड़ों पे जो क्रिस्टल जमा है
उनको बॉडी से फ्लैश आउट करने में ये पानी आपकी बहुत मदद करेगा। तो ये दवाइयाँ लें, खाने पीने का ध्यान रखें, तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा और ज़िंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, यूरिक एसिड के बढ़ने का एक और कारण भी हो सकता है, यदि किसी व्यक्ति की किडनी में खराबी आ गई है तो उस कारण से भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें अपने किडनी के फंक्शन को ठीक करने वाली दवाइयाँ खानी होंगी। तो दोस्तों, आखिर मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको बार बार पथरी बन जाती है, तो अपने नज़दीक के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, वो आपके लक्षणों के अनुसार आपके लिए कौन सी दवाई बेस्ट है उसका चुनाव करेंगे, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये चार दवाई मैंने आपको यूरिक एसिड की बताई, ये सभी होम्योपैथी की मेन मेन दवाइयां हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें।